अस्सलाम वालेकुम काश्कर ब्रो, आजकल हर जगह तो एक ही सवाल आ रहा है कि कणक पीली हो रही है, पूरा बूटा पीला हो रहा है जी, थले वाले पत्ते पीले हो रहे हैं जी, नुकरा पीलियां हो रही ने। तो अज की साड़ी इस वीडियो का टॉपिक होएगा कि कणक क्यों पीली हो रही है, तो अगर पीली हो रही है तो इन असी की सानू की करना चाहिए ताकि साड़ी फसल की पैदावार मुतासर ना हो। तो पहले मैं तुम्हें गल करा दो चार कि वजह वजूहत की ने पीली होने दियाँ। तो पहली गल तो यह है कि जिथे असी थले वाले पत्ते सिर्फ पीले हो रहे हैं वो तो सिर्फ नाइट्रोजन खाद की कमी है, जिवें तुसी पानी लाओगे या तुहाडी फसल वत्तर च आएगी तो यह मसला तुहाडा हल हो जाएगा। इस वास्ते इस पीलेपन तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा, पूरा पौधा अगर पीला हो रहा है तो उन्होंने अगर पट के तुसी देखोगे तो उनके थले सेंक होएगी, अगर वह सेंक है या सीधी है लगी हुई है तो फिर तुसी उनका इलाज करना है। अगर वह नहीं है वैसे पीला हो रहा है तो उनका मतलब यह है कि उत्थे पानी ज़्यादा देर खड़ा रहा है, उस पानी खड़े होने की वजह तो वह पीला हो रहा है। पौधा जो पीला हो रहा होता है उनकी वजह यह होती है कि उस जगह पर जमीन नीवी है साड़ी और पानी ज़्यादा देर रुकिया, ज़्यादा देर पानी रुकने की वजह तो उन्होंने सफोकेशन हो गई है और सफोकेशन की वजह तो वह खुराक हासिल नहीं कर पाया और इस वजह तो वह पीला हो रहा है। वजह है धान के एरिए होएगी कि गुलाबी कलर की सुंडी है वो आ गई है और दरमियान चो गुली कट देंदी है, तो तुसी दूर नू वेखोगे तो सिर्फ गुली तुहाडी जिहड़ी है ना वो खराब होंदी है, पीली नज़र आ रही होंदी है। अगर यह सूरत हाल होवे तो तुसी फसल नू देखो, अगर फसल का ज़्यादा हिस्सा मुतासर कर रही है तो फिर फिप्रोनिल स्प्रे तुसी कर दोगे तो यह मसला भी तुहाडा काफ़ी तक हद तक हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी स्प्रे करोगे, पानी कला लाओगे तो उन्दे नाल भी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है, पानी लाने नहीं कवर हुई तो फिर तुम स्प्रे वाली ऑप्शन वाल जाना है। लिहाजा ये जो पीलापन है फसल का गंदम का खास करके ये कोई एडा वड्डा मसला नहीं है, इस तू परेशान ना होवो, ये कोई एडी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर हो सकता थोड़ा बहुत पीला, असी पानी ज़्यादा ला दईए फिर भी पीली हो जाएगी, पानी लेट लगे फिर भी पीली होनी शुरू हो जाती है और पानी खड़ा हो जाए ज़्यादा देर फिर भी ये पीली हो रही होती है। इस वास्ते इस चीज़ तो परेशान नहीं होना, जिस तरह ही वत्तर आएगा, वत्तर कंडीशन आएगी ये साड़ा मसला हल हो जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसी जमीन है जिंदे च पूरा एकड़ ही पीला नज़र आ रहा है, पिलाड़ का शिकार हो रहा है, तो उनके वास्ते एक आसान जिहा हल है कि 2 किलोग्राम यूरिया तो 1 पाव सल्फर इन्हों महलूल बना के तुसी 100 लीटर पानी के स्प्रे कर दो, 10 दिन के वक्फे बाद तुसी रिपीट कर सकते हो। इस नाल पीलापन भी खत्म हो जाएगा और दूसरा तुहाडी फसल जिहड़ी पानी की कमी महसूस करा रही होगी वो मसला भी इहदे नाल हल हो जाएगा। इस वास्ते आखिर तो मैं सारे काश्तकार भरावां नूं कहांगा कि फसल के इस पीलेपन तो परेशान नहीं होना, नुकरां पीलियां हो रही, कोई मसला हो रहा है तो इस वास्ते कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।